दिन आज हो चुका है 25 अक्टूबर एंड आज के वीडियो में बात करेंगे Realme फी टू के डिवाइस में Realme UI का अगला बैच कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। Realme की तरफ से नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड सपोर्ट एंड आज के वीडियो में आपकी पूरी मदद की जाएगी। देन फ्रेंड्स, जूम मेनू, जैसा कि आपको पता होगा Realme फी टू के डिवाइस के लिए Realme UI का स्टेबल अपडेट ऑलरेडी रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्जन 4.47 है एंड इसकी 5G अराउंड 2.10 GB के आसपास में प्रोवाइड की जा रही है। Realme की तरफ एंड इसका फर्स्ट बैच प्रोवाइड किया गया था 29 सितंबर को एंड उसके बाद 9 अक्टूबर को एंड फिर यहाँ पे 16 अक्टूबर को शायद प्रोवाइड किया गया था Realme की तरफ, बट यहाँ पे उसके बाद फिर कोई अगला बैच देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं Realme फी टू के यूजर की तरफ, भाई हमारे डिवाइस में अगला बैच कब तक देखने को मिल सकता है Realme UI या फिर Android 10 का। यार यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आप पिछले कुछ बैचेस में देखेंगे Realme फी टू के डिवाइस में जो भी अपडेट्स प्रोवाइड किए गए हैं Realme UI के, उनमें लगभग 1 वीक का गैप देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे 29 तारीख के बाद आपके डिवाइस में मे बी 9 अक्टूबर को प्रोवाइड किया गया था Realme UI का अपडेट एंड उसके बाद 16 तारीख को, तो यहाँ पे लगभग आप देखेंगे लगभग 1 वीक का गैप देखने को मिल जाता है। एंड उसके पहले जो प्रोवाइड किया गया था वो 21 सितंबर या फिर 22 सितंबर को देखने को मिला था। तो यहाँ पे भैया जी आप समझ सकते हैं सिंपल सा 1 वीक का गैप देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद 16 तारीख के बाद आज हो चुका है 25 अक्टूबर एंड यहाँ पे आप समझ सकते हैं Realme फी टू के डिवाइस में Realme UI का अपडेट जल्द ही आपके डिवाइस में देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको कोई डेट या फिर टाइम मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज Realme की तरफ ये सब इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जाती। तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा फैक्टिव रहना है, क्योंकि Realme फी टू के डिवाइस में Realme UI का अपडेट जल्द से जल्द रोल आउट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे विथिन 1 वीक का गैप हो चुका है। यहाँ पे एक बात और है भाई, Realme फी टू के डिवाइस में मे बी 4.49 का वर्जन देखने को मिल सकता है, बिकॉज 4.47 वाला वर्जन आपके डिवाइस में जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो सितंबर 2020 के सिक्योरिटी पैच के साथ में प्रोवाइड होता है। तो भैया जी यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हो चुका है 25 अक्टूबर एंड अक्टूबर के मंथ में एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 तारीख भी क्रॉस कर चुका है, तो मे बी आपके डिवाइस में 4.49 का अपडेट देखने को मिल जाए इस बार, जो कि अक्टूबर 2020 के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ में हो सकता है। तो आप प्लीज फिर थोड़ा एक्टिव रहें एंड अपने फोन को बार बार चेक करते रहें, भाई हमारे डिवाइस में Realme UI का अपडेट आया है या फिर नहीं आया, क्योंकि भाई Realme UI का जब अपडेट आता है तो वहाँ पे कोई भी टाइम वगैरह मेंशन नहीं किया जाता या फिर कहीं भी ऑफिशियल पोस्ट पे बताया नहीं जाता कि भाई हम Realme UI का अपडेट रोल आउट करने वाले हैं, आप जाकर के वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉइड 9 के लेटेस्ट अपडेट 8.29 में अपडेटेड नहीं है तो प्लीज अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए, बिकॉज 8.29 में अगर आपका फ़ोन अपडेटेड रहेगा तभी आपके डिवाइस में Realme UI का अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा Realme की तरफ। तो इन सभी कंडीशन को आप अपने फ़ोन में ऑलरेडी पहले से फॉलो करके चलें, जिससे आपके फ़ोन में इन फ्यूचर Realme UI का अपडेट जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। सो फ्रेंड दैट फिट एंड यार बहुत सारा थैंक, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।